जिस खबर की बाजगश्त सुनाई दे रही थी आखिरकार वो सच साबित हुई। पाकिस्तानी मॉडल महविश हयात को सदर आरिफ अलवी के हाथों पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तमगाए इम्तियाज से नवाज दिया गया। 23 मार्च को ऐवान सदर में तकरीब मुनक्कद की गई और इस तकरीब के दौरान एक डांसर को तमगाए इम्तियाज दिया गया, एक मॉडल को तमगाए इम्तियाज दिया गया। तमगा इम्तियाज देने से पहले महविश हयात के बारे में डाइस से जो भी बातें बताई गईं वो सब गलत थी। कहा गया कि पाकिस्तानी फिल्मों में सबसे ज़्यादा काम उन्होंने किया है, बिल्कुल गलत। अगर सबसे ज़्यादा काम उन्होंने किया है तो जो बेचारे 25-30 साल से जो अदाकार इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको तमगा इम्तियाज क्यों नहीं दिया गया। महविश हयात की अब तक सिर्फ 2 फिल्में कामयाब हुई हैं, पंजाब नहीं जाऊंगी और एक्टर इल्ला, बाकी सब की सब फिल्में बुरी तरह नाकाम हुई हैं। कितनी अजीब बात है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक मॉडल जो जिस्म की नमाइश में टॉप पर है उसे अवार्ड दिया गया। आखिर हम अपनी बेटियों को क्या सिखा रहे हैं कि इस तरह नाच गाना करके मॉडलिंग करके मुल्क की खिदमत करो तो बड़ा अवार्ड मिलता है। महविश हयात ने आखिर इस मुल्क के लिए किया ही क्या है? क्या उन्होंने खवातीन के लिए कोई अच्छा काम किया? कौन सा प्रोडक्टिव काम किया है? क्या इस मुल्क में महविश हयात के अलावा कोई उस्ताद, कोई सर्जन, कोई फौजी जवान, कोई मजहबी सकालर नहीं बचा जिसने सही मानों में मुल्क और कौम की खिदमत की हो और वो इस अवार्ड का मुस्तहिक भी हो? अगर यही रवायत चलती रही तो फिर ये कौम डांसर्स पैदा करेगी। कोई प्रोफेसर, कोई टीचर, कोई सर्जन बनने की लोग कोशिश नहीं करेंगे, लोग नहीं तरजीह देंगे। खुदारा इस मुल्क के हुक्मरानों इस पर रहम करो। रियासत मदीना बनानी है तो फिर फहाशी की इन जड़ों को उखाड़ फेंकना होगा, ना कि इनको पानी देना होगा।